गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन ज्योग्राफी इनसाइड आवर अर्थ। ये लेसन मैं आपको पढ़ा रहा था, इसके अंदर अपन ने चट्टानों के बारे में पढ़ा है। वी हैव आई एक्सप्लेन यू अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल्स। टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर अप टू दिस व्हाट यू कॉल इग्नियस रॉक। आई हैव एक्सप्लेन यू रॉक्स आर थ्री टाइप्स, इग्नियस रॉक्स, देन कम्स सेकेंड कम्स सेडिमेंट्री रॉक्स, देन कम्स दिस मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो इग्नियस रॉक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, नाउ वी विल आई विल एक्सप्लेन यू सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं और इनका फॉर्मेशन, ये बनती किस तरीके से हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट यू सी दैट सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो जो है पानी के द्वारा, हवा के द्वारा और एनी अदर मीन और कोई चीज के द्वारा जब सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो परत बनाते रहते हैं। एक परत बन गई, फिर उसके ऊपर दूसरे फॉसिल जैसे हवा, पानी और किसी के कारण, मैंने कहा ना सेडिमेंट्स जो इकट्ठे हो जाते हैं वो उसके ऊपर दूसरी परत बना लेते हैं, फिर तीसरी परत बना लेते हैं। इनको अपन सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम देते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का बेस्ट जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, दैट यू टेक द कोल एंड पेट्रोलियम। ये फॉसिल फ्यूल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ये मतलब अपने एनर्जी के लिए और काम में लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स यू सी दैट दिस मेटामॉर्फिक दिस व्हाट यू कॉल सेडिमेंट्री रॉक्स दे आर इंपॉर्टेंट दे फॉर आई मीन रॉक्स आर ओपन डिपोजिट ऑफ लेयर्स। ये लेयर्स में बनती है और इसको बनने में इट टेक्स मिलियंस ऑफ द ईयर्स टू मेक द दिस सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, आज आप एक एग्जाम्पल ले लो दिस व्हाट यू कॉल पेट्रोलियम का, तो पेट्रोलियम बनना इतना आसान नहीं है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ द ईयर्स, ये हजारों साल लग जाते हैं इसको, तब जाके ये दिस व्हाट यू कॉल सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो पेट्रोलियम में बदलती है। ऐसे ही अब अगर अपन एग्जांपल लें तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कॉल कोल। कोल का भी अगर अपन एग्जांपल लें तो कोयला भी ऐसे ही प्रोड्यूस या बनता है। ओके, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये इन शॉर्ट आई विल टेल यू, ये सेडिमेंट्स जो इकट्ठे होते हैं जो किसी वजह से जैसे पानी के बहाव के साथ में आ गए, एयर हवा के बहाव के साथ में आ गए, या फिर और कोई ऐसी चीज हो जिसके साथ में ये सेडिमेंट्स आकर एक जगह परत से परत बनाकर जमा हो जाते हैं, तो उसको अपन सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। नाउ यू सी द स्टूडेंट्स, सेकेंड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं? तो इग्नियस रॉक तो मैंने बताया आपको कि जमीन के अंदर से जो लावा निकलता है, उस लावे जब जमीन के ऊपर आकर ठंडा हो जाता है तब ये बनता है, कौन सा? इग्नियस रॉक। और उसके बाद में दूसरी रॉक जो है वो है सेडिमेंट्री रॉक। तो ये सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है? ये सेडिमेंट्स जो होते हैं, जो पानी हवा इनके साथ में आकर एक जगह जमा होते जाते हैं और टाइम के साथ साथ ये मतलब उसमें बदल जाते हैं रॉक्स में, उसको अपन व्हाट यू कॉल वी कॉल इट सेडिमेंट्री रॉक्स। अब अपन तीसरी रॉक देखेंगे, वो है मेटामॉर्फिक रॉक। ये मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती हैं? स्टूडेंट्स यू सी दैट मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो मतलब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है, ये जब अपने आप में इनकी फॉर्म, इनका स्वरूप जो होता है वो दूसरी चट्टान के रूप में बदल जाता है, और इस बदली हुई जो दूसरी चट्टान है इसी को अपन मेटामॉर्फिक के नाम देते हैं। ये जो
सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स होती हैं, ये मिलियंस ऑफ द ईयर्स, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। और ये जब ज़्यादा टाइम लेकर इसके साथ में वो मतलब चेंज हो जाती है, इनकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है, तो इसको अपन मेटामॉर्फिक रॉक का देते हैं। ये इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, दैट इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो किससे बनता है, एंड जैसे लाइम स्टोन जो होता है वो मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। मीन्स लाइम स्टोन से क्या बन जाता है, मार्बल बन जाता है। जैसे ही ग्रेप जिसे कोल कैन बी चेंज इनटू ग्रेफाइट, कोयला जो होता है उससे क्या बन जाती है, कौन सी चट्टान बन जाती है, ग्रेफाइट बन जाता है। तो ये जो चट्टानें होती हैं, जब ये धीरे धीरे कई दिन वर्षों तक ये उसी रूप में रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका फॉर्म और इनका स्वरूप जो है वो चेंज होता जाता है, और इस चेंज होने को ही अपन जो दूसरी चट्टान बनती है उसको अपन मेटामॉर्फिक के नाम से जानते हैं। तो इग्नियस रॉक कैसे बनती है, लावा जमीन का ऊपर आता है उससे बनती है, अंदर धरती के अंदर हलचल होती है, ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज आर देयर एंड ड्यू टू दीज दे फॉर्म द लावा बनकर ऊपर आता है एंड दैट कूल्स डाउन, और उससे जो चट्टान बनती है उसको अपन इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। सेकंड थिंग वी व्हाट आई टोल्ड यू दैट मेटा दिस व्हाट यू कॉल सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो हवा पानी इनसे बहाव के साथ में ये जो सेडिमेंट्स एक जगह जमा हो जाते हैं, और उन जमा होने के साथ साथ ये परत में जमा होते हैं, और इनसे जो चट्टान बनती है उसको अपन सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम देते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स अपन ये मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक क्या कैसे बनती है, ये जब इग्नियस रॉक्स और ये व्हाट यू कॉल दिस सेडिमेंट्री रॉक्स, जब ये दोनों रॉक्स अपने आप में परिवर्तन होकर तीसरी जो फॉर्म बनाते हैं, जो क्वालिटी इनकी बनती है, जैसे लाइम स्टोन है वो धीरे धीरे मार्बल का रूप ले लेता है, जैसे कोयला है धीरे धीरे ग्रेफाइट बन जाती है, तो ये जो चेंज हो जाती है इनकी फॉर्म, दैट फॉर्म इज चेंज, सो दे आर नोन एज द व्हाट यू कॉल मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसको अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स यू सी दैट ये जो सिस्टम है रॉक्स का, अपन ने ये तो पढ़ लिया और तीन रॉक्स जो है उनको भी अपन ने पढ़ लिया, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट हाउ दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये रॉक्स कैसे बनती हैं। ओके, नाउ वी विल सी द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल मतलब इनका जो सिस्टम है रॉक्स बनने का, ये साइकिल की तरह होती है, मतलब एक से दूसरी कैसे बनती है, दूसरी से तीसरी कैसे बनती है, इनका जो, और फिर उस तीसरी से दोबारा पहले वाली कैसे बन जाती है, दूसरी कैसे बनती है, थर्ड कैसे बनती है, फिर अगेन इसका रोटेशन बदल जाता है। तो ये जो बदलता हुआ रोटेशन है, इनका जो चेन सिस्टम है उसको अपन रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं। ये रॉक साइकिल जो है इसका एक डायग्राम दिया गया है आपकी बुक में स्टूडेंट्स, दैट यू कैन सी एंड यू कैन आई मीन अंडरस्टैंड बेटर कि ये कौन सी रॉक से कौन सी रॉक बनती है, फिर दोबारा रॉक्स कैसे स्टार्ट होती हैं। जिस तरीके से वाटर साइकिल का आपने नाम सुना होगा, कैसे पानी से भाप बनकर बादल बनते हैं, बादल से बरसात होती है, बरसात से पानी जो नदियों के रूप में सागर में मिलता है, अगेन द सेम सिस्टम स्टार्ट, उसको अपन वाटर साइकिल बोलते हैं। लाइक दैट वाटर साइकिल, जिस तरीके से ये जो वाटर साइकिल होती है, लाइक दैट ओनली देर इज रॉक साइकिल वी ऑल्सो कॉल इट। नाउ वी विल सी दैट रॉक साइकिल कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्या होता है, जो अंदर धरती के अंदर जो गर्म पदार्थ है उसको अपन मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा। ये मैग्मा की वजह से धरती के ऊपर लावा आता है,
या फिर ज्योग्राफिकल हलचल जो अंदर होती है उसके कारण धरती के ऊपर के भाग पर चट्टान बनती है, इसको अपन इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है, ये व्हाट यू कॉल इग्नियस प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं इसको। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक इसलिए बोलते हैं कि जो ये रॉक साइकिल है ये इग्नियस रॉक से स्टार्ट होती है। सो इग्नियस रॉक्स गेट ट्रांसफॉर्म इंटू सेडिमेंट्री। अब ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाती हैं, हवा के कारण, पानी के कारण, या फिर किसी और रीजन के कारण, वेदर के कारण। ये जो इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो मतलब अपने आप में सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाती हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, जब ये सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाती हैं तो ये जो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो बदलती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, ये तापमान जब बढ़ जाता है तो ये प्रेशर इनके ऊपर ज़्यादा आ जाता है। एज ए रिजल्ट उसका नतीजा क्या होता है कि इससे मतलब इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, मतलब इनकी बनावट की वजह से इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे कोयला जो है वो ग्रेफाइट बन जाता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया लाइमस्टोन जो है वो मार्बल बन जाता है, वैसे ही जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मिलकर जो चट्टान बनाती हैं उनको अंदर जो इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है तो उसको अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। तो तीनों रॉक बन गई, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये तीनों रॉक बन गई इसमें। फिर क्या होता है, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो हीट एंड प्रेशर, मतलब गर्मी और उसके ऊपर प्रेशर की वजह से व्हाट हैपेंस दीज व्हाट यू कॉल रॉक्स गेट मेल्टेड और यहाँ पे मगमा बन जाता है इनका। क्या बन जाता है? मगमा, वही मगमा जिससे आपको मैंने बताया कि इग्नियस रॉक बनती है। ये मगमा जब बनता है और ये इग्नियस रॉक जब बनती है तो अगेन इससे क्या हो जाता है, प्राइमरी रॉक जिसको अपन ने इग्नियस रॉक को दूसरा नाम अपन ने क्या दिया था, प्राइमरी रॉक, ये प्राइमरी रॉक या फिर दूसरे शब्दों में अपन इसको इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं, तो ये बन जाती है। तो आ गया ना वैसे का वैसा चैम्बर, आई मीन साइकिल। देन इग्नियस रॉक विल चेंज इनटू द सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स विल चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक, अगेन द मेटामॉर्फिक रॉक विल चेंज इनटू द इग्नियस रॉक। तो ये साइकिल की चेन बन जाती है। दिस इज नोन इन सिंपल वर्ड्स वी कॉल इट रॉक साइकिल। ओके, सो दिस इज दिस रॉक साइकिल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। नाउ वी विल सी दैट ये जो मिनरल्स होते हैं रॉक्स के अंदर, हमारे लिए रॉक्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि रॉक्स जो होती हैं वो हमें मिनरल्स देती हैं और मिनरल्स जो है वो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। हम मिनरल्स के अंदर जो केमिकल होता है उस कंपोजिशन, जो मिनरल वही होता है जिसमें एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, जिसके अंदर डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है उसी को अपन मिनरल कहते हैं। और ये मिनरल कैसे अपने लिए इम्पोर्टेंट है, दैट वी विल सी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, सम क्वालिटीज ऑफ मिनरल्स विच आर गिवन इन योर बुक, देर आर, हम ये देखेंगे कि ये जो मिनरल्स है ये आपकी बुक में हिसाब से दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट, दे आर हैविंग फोर क्वालिटीज, इनके अंदर चार प्रकार की गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट, ईच मिनरल हैज टू और थ्री एलिमेंट्स, इसके जो मिनरल्स होता है उसके अंदर दो या तीन एलिमेंट्स डेफिनेटली पाए जाते हैं। ओके, वी मस्ट गेट इन दिस। फिर दूसरा क्या है, दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स की दूसरी क्वालिटी क्या है कि ये डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, इसमें केमिकल की मात्रा पाई जाती है।
थर्ड है दे प्रोवाइड अस मेटल एंड केमिकल्स। ये जो मिनरल्स होते हैं इनके अंदर जैसा मैंने बताया कि इनकी मेन क्वालिटी क्या है, इट कंटेंट्स द थ्री एलिमेंट्स, तो इनकी वजह से हमको बहुत से मेटल्स जो होते हैं जैसे मेटल कॉपर है और है, इन ये किससे बनते हैं, इन मिनरल्स की वजह से। और दूसरा मेटल के अलावा अपन को जो केमिकल होता है वो भी इस मिनरल्स की वजह से मिलता है। तो ये मतलब तीन चार क्वालिटी हैं। फोर्थ क्वालिटी दे आर नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंसेस। इनकी एक क्वालिटी ये होती है कि ये नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग नहीं होते हैं। एंड सेकंड थिंग दे आर आई मीन नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंसेस, ये इनका रूप जो होता है दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, ओके, एंड दे आर नॉन द मिनरल्स। तो मिनरल की क्वालिटी मैंने बताई, मिनरल को इन्हीं क्वालिटी को अगर अपन दूसरे हिसाब से देखते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है मिनरल अपन कहते किसे हैं। तो मिनरल की पहली क्वालिटी क्या है, इसके अंदर दो या तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। दूसरी क्वालिटी क्या है, ये जो है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इसके अंदर पाई जाती है। तीसरा क्या है कि ये मतलब नॉन लिविंग और मतलब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। और इनसे चौथा अपन ये ले लेते हैं, दे प्रोवाइड अस मेटल एंड व्हाट यू कॉल अपार्ट फ्रॉम द मेटल केमिकल्स आल्सो दे प्रोवाइड। सो अप टू हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ यू सी द स्टूडेंट्स, द रॉक्स आर, हाउ रॉक्स आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से वाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रॉक्स फॉर द ह्यूमन बींग, दैट आई विल टेल यू। रॉक्स आर यूजफुल इन वेरियस वेज, रॉक्स आर वेरी यूजफुल इन द वेरियस वे, बहुत सी चीज़ों के अंदर अपन को रॉक्स जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। वी मेक द फॉसिल फ्यूल्स, आयरन कॉपर, वी बिल्ड द मटेरियल्स एंड ऑल, ये किससे आती हैं, अपन को रॉक्स से ही मिलते हैं। मटेरियल है कोई बिल्डिंग मटेरियल है या कोई और चीज़ ले लो, मेटल्स बनाते हैं, कुछ भी अपन बनाते हैं, या मेडिसिन में जिसमें अपन को केमिकल की ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें किससे मिलती हैं, अपन को रॉक्स से ही मिलती हैं। नाउ रॉक्स अपन हमारे देश में कहाँ कहाँ पे मिनरल्स जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर रीजन एंड कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, डीकन एरिया एंड ऑल, दीज आर द प्लेसेस वेयर वी गेट द व्हाट यू कॉल दिस मिनरल्स, ओके। सो इंडिया इज रिच इन द मिनरल्स इन दीज एरियाज एज आई टोल्ड यू। नाउ स्टूडेंट्स यू सी दैट दिस चैप्टर आई एक्सप्लेन्ड यू एंड इट आई मीन चैप्टर इज कंप्लीट नाउ, सो रिवाइज इट, यू कैन रिवाइज बाय रीडिंग, ओके, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग इट विल बी बेटर फॉर यू। थैंक यू, हैव नाइस डे।